मंदिर में, और ये रहा मंदिर के मंदिर, तो ये लाइन लगी नीचे को भी इतना ही लाइन लगी जितना यहाँ को लगी, और तीन तीन लाइन कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है नई वीडियो में। एक्चुअली गाइस आज जा रहे हैं कैची धाम में। कैची धाम में ना आज एक मेले का आयोजन किया जाता है जो कि नीम करोली महाराज जी की, वो वहीं जाके पता चलेगी। हर साल होता है ये 15 जून के लिए, आज 15 जून है, सो आज वो वहाँ पर है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके होंगे एक्चुअली, और अभी मेरे को ना लेट हो चुका है यहाँ पर, और 5:30 यहीं पर हो चुका है। सो वहाँ पर एक्चुअली लाइन लग चुकी होगी क्योंकि वहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। सो अभी भी वहाँ पर भीड़ हो रही होगी क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पहले ही पहुँच चुका होगा गाइस, ये कह सकते हैं। और वहाँ दोनों साइड से लाइन लगती है। हर साल वहाँ 1.5-2 लाख लोग दर्शन करते थे, पर इस बार उससे भी ज़्यादा लोग दर्शन करेंगे क्योंकि अभी जो गर्मी का टाइम है ना, सीजन का टाइम है पहाड़ में। सो शहर से लोग पहाड़ की तरफ को आ रहे हैं, सो इसकी वजह से गाइस थोड़ी बहुत वहाँ पर भीड़ भी रह ही रही है। तो ये चीज़ है गाइस, यहाँ से निकलते हैं और आपको मोटू ब्लॉगिंग में मिलते रहते हैं, फिर वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। सो गाइस अपने घर से निकल के रानीखेत आ चुका हूँ, और अभी रानीखेत की ना दुकानें पूरी तरह से खुली भी नहीं है, कुछ दुकानें खुली हैं कुछ बंद हैं। सो ये चीज़ है गाइस, देख लो कोविड के टाइम पर भी ऐसी था, दिन भर दुकानें बंद रहती थी। अभी देखो, क्योंकि जो शहर वाला होता है ना, वो घर के ऊपर ही या कहीं पर किराए पर रहते हैं, सो वो खुल जाते हैं। यहाँ तो लोगों का गांव दूर होता है, सो वो आएंगे अभी 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, उसके बाद से फिर होता है। यहाँ पर शहर में ऐसा होता है कि उनका घर जो है ना ऊपर ही होता है, दुकान के ऊपर अधिकांश लोगों का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, पर पहाड़ में ऐसा नहीं है। यहाँ पर दुकानें किराए में होती हैं और लोग क्या बोलते हैं गांव से आते हैं, और वो फिर आके गाइस ना स्कूटी यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी, और यहाँ से आप शटल सेवा में जाना पड़ेगा, मतलब कोई गाड़ी हाड़ी होगी तो उसमें जाना पड़ेगा कैची धाम के लिए। सो आप हेलमेट मुझे सब यहीं किसी की दुकान में रखना पड़ता है, उसके बाद से यहाँ से शटल सेवा जो भी लगी है उसमें ही जाना पड़ता है। तो ये सब खोलता हूँ, उसके बाद से उसी में चलते हैं, तो मिलते हैं आपको। पहुँच चुके हैं हम कैची धाम एरिया में। अब यहाँ से ना हमें पैदल जाना पड़ेगा, शटल सेवा में आए थे हम, 40 रुपये देखे अपनी स्कूटी गाड़ी सब छोड़ के आए। यहाँ पर तो ऑलरेडी ना पहले से ही बहुत भीड़ है, अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सो वो बाद में ही पता चलेगा। तो पहले चलते हैं क्योंकि पैदल बहुत जाना होता है वो आगे। यहाँ पर करीब वहाँ पर तो मेरे को लगता है ना कि बहुत लंबी भीड़ लग गई होगी। ये लोग जूस वूस बेच रहे हैं यहाँ पर, ये लोग कर रहे थे कि कवर कर लो करके। सो ये चीज़ है। अब कैची धाम में मैं वो भूल गया कि कैची धाम में ना भीड़ लग चुकी होगी लाइन पर दर्शन हो जाए बस उतना ही है, उसके बाद से सीधे घर को निकल लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, फिर भीड़ भाड़ में अच्छा भी नहीं रहता है ज़्यादा वो करके। सो ये चीज़ है गाइस, आपको मिलते हैं। अभी पैदल चल ही रहे हैं, मतलब लग जाएगा 10 मिनट और लग जाएंगे मुझे यहाँ से वहाँ जाने में। सो आपको मिलते हैं। फाइनली करके ना गाइस, अब यहाँ से कुछ 200 मीटर दूर और रह गया है, और यहीं से हल्की फुल्की भीड़ दिखने लग गई है बाबा के अच्छी धाम जी के लिए। सो थोड़ी बहुत भीड़, और यहाँ पर मेरे को ना अभी पता चला कि लोग 2 बजे रात से लाइन पर लगे हैं, 2:30 बजे रात से, 2:30 बजे रात से लाइन पर लगे। तो अब लगा लीजिए कि कितने लोगों को वो हो गया, और यहीं से लाइन लग चुकी है। सो अब आप लगा लीजिए, ये सेम टू सेम एकदम सब वो हो गया केदार वाला हिस्सा, कि 2-2.5 किलोमीटर जय श्री राम, 2-2.5 किलोमीटर तक सेम टू सेम लाइन लगती थी ना, और वही यहाँ भी हो रहा है, और नंबर वही आएगा 12:30-1 बजे तक है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है,
ये तो यहाँ जाके पता ही चलेगा, पर लाइन पर तो लगना ही है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के लिए तो आए थे यहाँ पर। और भीड़ थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई है, तो ये चीज़ है गाइस, यहाँ से थोड़ी थोड़ी भीड़ दिखने लग गई है अब तो, यहाँ से लाइन शुरू हो गई लगभग लगभग ना पहुँच ही गए हैं। तो सामने जो गेट है वो आ चुका है ऐसे आगे, पर थोड़ी सा लग गया है, मतलब एक घंटे में पहुँचे हैं यहाँ पर। आप लगा लीजिए कितनी भीड़ होगी, पहले से इतनी भीड़ नहीं होती थी, सिर्फ आधा किलोमीटर लगती थी लाइन बस, और बाकी कहीं नहीं, आधा किलोमीटर लगती थी लाइन, और अब तो बहुत लंबी लगने लगी है। तो सुबह से इतनी लंबी लगने लगी, पहले से नहीं लगती, मैं 2015 में आया था तो इतनी लंबी लाइन नहीं थी उस टाइम पर। तो चलो वहाँ जाके फिर मिलते हैं। फाइनली करके ना पहुँच चुके हैं मंदिर में, और ये रहा मंदिर, पक्के मंदिर, तो ये लाइन लगी नीचे को भी इतना ही लाइन लगी जितना यहाँ को लगी, और तीन तीन लाइन कर दिए हैं, ये गड़बड़ कर दी। सो चलो चलो चल यार फटाफट, क्योंकि अगर नहीं लगे होंगे तो फिर लेट हो जाएगी। चलो नहीं, यहाँ पर दर्शन हो गए, और देखो भीड़ देखो अभी कैची दाम की, तो हमारे दर्शन हो गए हैं, अब यहाँ से चलते हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, घर को निकलते हैं। जितना मैंने सोचा था कि 12 बजे तक दर्शन होंगे, पर 10 बजे तक दर्शन हो गए हैं, करीब करीब डेढ़ घंटे करीब तक लगा, और डेढ़ घंटे में दर्शन हो गए। यहाँ पर साथ प्रसाद भी मिला है ये वाला खाने के लिए, सो ये तो घर ही ले जाऊँगा, और इसके बाद से देखते हैं, अब यहाँ से चलते हैं गाइस, क्योंकि गाड़ी में जाना है। सो मिलते हैं आप लोगों को फाइनली ना गाइस, वहाँ से तो दर्शन करके आ चुका हूँ, और मैंने अपनी स्कूटी निकाल ली थी, फंसी रख दी हो थोड़ी देर से अंदर घुसा रही थी, उस समय यहाँ पर रोक रहे थे, सो यहाँ पर तो मैंने यहाँ लगाई थी उसके अंदर। सो ये गाड़ी से अंदर से निकालने खोल के 5 मिनट इसको निकालने में लगे, हम निकाल दी है। सो अब मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, और सीधे रानी गेट पर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो ही चुका है, पर दर्शन हो गए थे अच्छे से, कोई नहीं, अगर जल्दी और जल्दी आ जाता अभी तक मैं रानी गेट पहुँच जाता, तो मिलते हैं आपको भी। तो भाई सब घर को जा रहे हैं, दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे, बढ़िया सा करके एकदम से, और व्यवस्था ना पिछले साल से बहुत अच्छी कर रखी है, तो उसको देख के मैं और ज़्यादा खुश हो गया था कि ये व्यवस्था हमेशा ऐसी होनी चाहिए। और ख़ास कर ना मैं कैची धाम में प्रभावित हो चुका हूँ वो जूते रखने वाले चीज़ से, सो वो चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि जूते रखने वाले चीज़ ना एकदम से सही बना रखी थी मस्त करके। भीड़ तो होते रहती, कोई नहीं, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए बहुत वो चाहिए, और जो वहाँ पर जो मैनेज करने के लिए रखे गए थे ना वो लड़के लोग या कोई ओल्ड पर्सन जो भी थे, पर वो लोग भी बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ हमेशा हर किसी को सीखनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि तू VIP है तू पहले दर्शन कर ले, या तू कोई और है तू दर्शन कर ले, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बढ़िया सा करके आदमी को दर्शन करवा रहे थे अच्छे से। सो ये चीज़ होनी चाहिए हर मंदिर के लिए, शायद यही नहीं हर मंदिर के लिए होनी चाहिए, मेरे को अच्छा लगा। सो गाइस बाकी तो सब कुछ ठीक है, आपको फाइनली गाइस अपने रूम में पहुंच चुका हूं, और रोज़ अपने ही रूम में वीडियो को एंड करता हूं मैं, क्योंकि इधर उधर बाहर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं रहता ही नहीं हूँ। सो मैं सुबह घर से निकला और घर में ही वापस आके अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, तो ये चीज़ है। और बहुत अच्छा लगा कैची धाम में, व्यवस्था जो थी वो बहुत सुंदर थी, खासकर जो चप्पल वाली व्यवस्था थी वो और ज़्यादा अच्छी थी, ऐसा कोई भी वो ना, पर सही लगा मेरे को जो भी था वहाँ पर, प्रसाद प्रसाद का भी, जो लोग भी खड़े थे वो वेल मैनेज थे, हमेशा राम राम बोल रहे थे, मेरे को ये अच्छा लगा। ये मैनेज हमेशा होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए मंदिरों में, वहाँ पर कोई भी हैप्पी या वो करके कुछ दर्शन का नहीं था। सो ये चीज़ गाइस मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं चाहूँगा कि हर मंदिर में ऐसी हो जैसे कैची धाम में हुआ था। सो जो लड़के भी खड़े थे वो धोती में खड़े थे और हमेशा राम राम का नाम ले रहे थे, बहुत खुश हुआ हूँ मैं। तो ये चीज़ है गाइस, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कभी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय।